जय माता दी। दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, अभी साल जो है वो 2023 जो है उसका प्रारंभ हो चुका है और फरवरी महीना जो है वो बस आने ही वाला है। फरवरी महीने में विजया एकादशी जो है वो कब मनाई जाएगी, व्रत कब पड़ेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, महत्व क्या है, साथ ही साथ पारण का समय क्या रहेगा, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात करने वाली हूँ। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो विजया एकादशी है वो कब मनाई जाती है, तो फागुन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह तिथि समस्त संसार के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है। विजया एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक और सच्चे मन से करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यह एकादशी विजय प्राप्त करने वाली एकादशी होती है, अर्थात विजया एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। अगर मैं महत्व की बात करूं तो विजया एकादशी की तिथि पर श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से पूर्व जन्मों के पापों का नाश होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी को अत्यंत पुण्य फलदायी जो है वो माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन व्रत की कथा जो है वो जरूर सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल जो है वो प्राप्त होता है। तो आइए जान लेते हैं कि जो व्रत है वो कब है, किस दिन है और पूजा विधि क्या है। विजया एकादशी, अगर मैं व्रत की बात करूं तो साल 2023 में विजया एकादशी जो है वो दो दिन मनाई जाएगी। जैसे जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो दो दिन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से विजया एकादशी जो है वो दो दिन मनाई जाएगी। किस तरीके से, जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ जीवन में हैं और जो सन्यासी जीवन में हैं, उनको अलग अलग एकादशी जो है वो मनानी है। जैसे विजया एकादशी जो है वो 16 और 17 दो दिन मनाई जाएगी, दोनों का अलग अलग पारण जो है वो किया जाएगा। जो विजया एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी 2023 को, दिन जो है वो है गुरुवार और सुबह 10:39 पे। विजया एकादशी तिथि का समापन जो है वो हो रहा है 17 फरवरी 2023 को, दिन जो है वो है शुक्रवार और सुबह 8:12 पर। लेकिन बहुत सारे लोग असमंजस में हैं तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि जो गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति हैं वो 16 फरवरी को ही व्रत रखेंगे और जो सन्यासी हैं, जो पूजा पाठ में ज़्यादा लीन है, खास करके जो बाबा लोग होते हैं, उन लोगों को 17 फरवरी को जो व्रत है वो रखना चाहिए। अगर मैं हम लोगों की बात करूँ, मतलब गृहस्थ जीवन वालों की बात करूँ, तो ऐसे लोगों को 16 फरवरी को ही ये व्रत जो है वो करना चाहिए। जो विजया एकादशी की तिथि है वो प्रारंभ हो रही है 16 फरवरी 2023 को, दिन जो है वो है गुरुवार और सुबह 10:39 पे। विजया एकादशी तिथि का समापन जो है वो हो रहा है 17 फरवरी 2023 को, दिन जो है वो है शुक्रवार और सुबह 8:12 पर। दोनों दिनों के व्रत के पारण का जो मुहूर्त है वो कुछ इस प्रकार से है। जो लोग 16 फरवरी को व्रत करेंगे वो लोग 17 फरवरी को दिन शुक्रवार को दोपहर 1:43 से शाम को 4 बजे तक जो व्रत का पारण है वो करेंगे, और जो लोग 17 फरवरी को व्रत करेंगे ऐसे लोग 18 फरवरी को दिन शनिवार को प्रातः 6:48 से 9:02 तक व्रत का जो पारण है वो करेंगे। तो जिस तरीके से व्रत जो है वो आप कर रहे हैं उसी तरीके से पारण जो है वो आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से व्रत जो है विजया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और पारण भी इस तरीके से किया जाएगा। एकादशी व्रत के दिन जो चावल होते हैं वो पूर्णतया वर्जित माने गए हैं, जो लोग व्रत करते हैं उनको भी और जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन दोनों को चावल जो है वो निषेध बताए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी वाले दिन जो भी व्यक्ति चावल खाता है तो चावलों में पाप जो है वो छुप जाते हैं और एकादशी वाले दिन चावल खाने से व्यक्ति के अंदर जो पाप हैं वो चले जाते हैं, इसलिए एकादशी वाले दिन चावल जो है वो नहीं खाने चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और विधिवत पूजा करने से मनुष्य के समस्त पाप जो है वो
नष्ट हो जाते हैं। अगर मैं पूजा विधि की बात करूं तो इस दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करना चाहिए, उनको पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीले फूल, दूध, पीपल के पत्ते पर आपको दूध और केसर से निर्मित मिठाई जो है वो भगवान को भोग लगाना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की आरती जरूर करना चाहिए। सायंकाल के समय तुलसी के पौधे के आगे दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने से माँ लक्ष्मी जो है वो आपके घर में धन दौलत और संपदा की जो बढ़ोतरी है वो करती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को केले का भोग अत्यंत आवश्यक है। इस दिन केले को गरीबों में दान करना भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगले दिन सुबह मुहूर्त पर पारण जो है वो जरूर करना चाहिए। दान पुण्य करने से व्यक्ति के सारे कष्ट जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो विजया एकादशी वाले दिन आप लोग व्रत जरूर कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।